देश के सभी देशवासियों को, 135 करोड़ देशवासियों को, नेताओं को, जितने हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जजेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन, 17 लाख कानूनी अधिवक्ताओं, सभी कोर्ट स्टाफ को सच्चत नमन। आज हम आपके सामने ये बात चर्चा करेंगे कि जब भी मैं किसी भी FIR के ऊपर 154 CRPC लिखा हुआ देखता हूँ, और जब उसके ऊपर देखता हूँ कि IPC 1860 लिखा हुआ है, तो मेरे मन में ये प्रश्न बार बार मेरे से पूछता है कि आखिर ये जो 1860 के कानून थे, आज हमारा देश 2021 में आ गया, आखिर ये कानून के ऊपर, इस FIR पे IPC 1860 क्यों लिखा होता है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और हमारे देश को जो 26 अगस्त 1950 को बाबा साहब ने जो ये कानून सौंपा, संविधान सौंपा, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर ज़रूर यहाँ बदलाव होना चाहिए, और इन FIR के ऊपर यहाँ लिखा होना चाहिए IPC 1860 की जगह 15 8 1947 इंडिपेंडेंस डे, ताकि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऊर्जा और एक प्रेरणा बन सके। हर FIR, ऐसी करोड़ों FIR के ऊपर जब ये चीज़ लिखी होगी तो गौरव का विषय होगा। मैं तो कहता हूँ कि उनके ऊपर एक फ्लैग चिन्हित होना चाहिए, हमारे देश का फ्लैग चिन्हित होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गर्व की विषय है। हर FIR के ऊपर सत्यमेव जयते लिखा होना चाहिए, ताकि कोई पुलिस अधिकारी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, 154 CRPC का गलत इस्तेमाल करके, अगर वो झूठी FIR करे जानबूझकर, तो उसके हाथ कांपने चाहिए ये देख कर कि उस पर तीन चीज़ें, कि जब उस पर ये लिखा हो 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, जो कि करोड़ों लोगों की कुर्बानियों के बाद हमारे को मिली है, और आज करोड़ों के सुरक्षा का माहौल ये का एहसास का प्रतीक है 15 अगस्त 1947, नेशनल फ्लैग लगाओ और सत्यमेव जयते। जब ये चीज़ तीन चीज़ें लगी होंगी, तो मेरे को लगता है कि जो भ्रष्ट अधिकारी कुछ मुट्ठी भर आज प्रशासन के अंदर, दिल्ली पुलिस के प्रशासन में शामिल हैं, जो पी कंट उस पॉलिसी पे 54 CRPC का करके कुछ FIR करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आएगी। आज उन लोगों को कहीं ना कहीं मन के अंदर उनका जमीर जागेगा, और कुछ समय बाद मेरे को लगता है कि ये बदलाव आ जाएगा। लेकिन शायद मुझे, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर इस ये बात कोई कानूनी है और गैर कानूनी हो जाए, तो मैं उसके लिए पहले क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल व्यवहार है, मेरे यार दोस्त संबंधी कई ऐसे साथी मुझे कोर्ट के अंदर मिलते रहते हैं, और वो मुझसे ये पूछते भी हैं कि आखिर IPC 1860 क्यों लिखा होता है इसके ऊपर, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम करने के लिए ये लिखा होता है। आज करोड़ों FIR देश में दर्ज हो चुकी है, तो जब ये लिखा होता है तो मन को बड़ी पीड़ा होती है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी मिनिस्ट्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाए, उन्हें तो नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैंने वोट देके उनको चुना है, और राइट टू वोट के तहत मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के हर प्रशासन में ये एक सिस्टम बना हुआ है। कोई भी सरकारी एजेंसीज और सरकारी एजेंट जब काम करते हैं, तो अगर उसके खिलाफ वो कोई भी बात होती है, तो उन्हीं का डिपार्टमेंट पहले इंक्वायरी करता है। तो मैंने वोट देके आज देश के प्रधानमंत्री को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुना है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई वो अपनी जिम्मेवारी का वो करें, और मेरी शब्दावली को जरूर कंसिडर करें, और रोहिणी कोट भारत एसोसिएशन के जो पैनल के आज प्रधान है इंदर सिंह सरोवा साहब, उनसे मेरी जरूर गुजारिश है कि वो जरूर इसको सुने, और उनके साथ वो सभी कानूनी अधिवक्ता भी अपने स्तर पर ये आवाज़ उठाएं। और ये आवाज़ें उठती रही हैं कई बार, लेकिन वो कहीं ना कहीं शोर के अंदर दब गई अब IPC 1860 के, लेकिन ये आवाज़ उठनी चाहिए। मैं आज सरदार समाज को पुनः बुलंद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर कानून संगत हो तो जरूर इस बात को उठाया जाए, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में, आदरणीय उच्च न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जजेस में, रिटायर्ड जजेस, जस्टिस। आज एक धनवान आती व्यक्ति जब अपना धन दान करता है, ये सोच के कि भाई उसके लिए ये धर्म है, एक बाहुबली अपने बल का इस्तेमाल करके कमजोर को, निर्बल को सुरक्षा प्रदान करता है, तो मैं आज ऐसे ही सभी कानूनविदों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि इस FIR के ऊपर तीन चीज़ें जरूर लिखवाएं, और हो सके तो इसके अंदर एक चौथी चीज़ लास्ट में जरूर होनी चाहिए कि जो FIR एक SHO के निर्देश पर जारी होती है, वो जरूर ये लिखे कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर ये FIR झूठी पाई गई मेरी जानकारी के अनुसार, तो वो अपनी नौकरी से तत्काल रिजाइन करेगा, और रिजाइन करके अपनी सारी संपत्ति जो उसने उस नौकरी के टाइम पे कमाई है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जमा कराएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जिन लोगों को पावर दी गई है इस देश के 135 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के लिए,
उसका गलत इस्तेमाल वो लोग ना कर पाए और इसके ऊपर अंकुश लगे, लगाम लगे। हर FIR में दो लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए कि मैं FIR दर्ज करने वाला अधिकारी, अगर ये FIR झूठी पाई जाती है, जानबूझकर ये साबित हो जाता है, तो मैं अपनी नौकरी से तत्काल निलंबित टर्मिनेट होऊंगा और जितनी सैलरी मैंने सरकार से सुविधाएं ली हैं अपनी नौकरी के तत्काल करने में, वो सब सबको प्रधानमंत्री के कार्यालय के या प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराऊंगा, जो इस 135 करोड़ की जनता के पास वापसी चलाया जाएगा, जिनके 1,534 करोड़ के पैसा के जनता के पैसों से उसकी तनख्वाह और सैलरी और संसाधन उसको दिए जाते हैं, वो पैसा वापसी उसकी जनता के पास चला जाएगा। तो जिस दिन ये प्रक्रिया चालू हो जाएंगी, चार प्रक्रियाएं एक FIR के अंदर, तो मेरे को लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि जब विदेशों की तरह हमारे देश में भी एक डिजिटल थाने बन जाएंगे, ना जहाँ पे आदमी की जरूरत होगी, ना पेपर की जरूरत होगी, एक मशीन के ऊपर बटन दबाएंगे और आज आपका सारा काम, जैसे डिजिटल इंडिया की सोच हमारे देश के आदरणीय उज्ज्वल प्रधानमंत्री जी की है, तो वो दिन दूर नहीं है। इसी शब्द विरांति दिन, जय हिंद जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।